सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इन वीडियो इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किसका अध्ययन कर रहे हैं? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। साइकोलॉजी में अधिगम हम पढ़ रहे हैं। पहले नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको भेजा है, बनाया है आपके लिए, वो क्या था? अधिगम। अधिगम क्या? अधिगम सीखना ही है, तो उसमें अधिगम सीखना ही तो है, लेकिन व्यवहारगत परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी किसी से आता है? किससे आता है स्टूडेंट्स? अधिगम से आता है। तो उस अधिगम के टॉपिक को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लास में आज अधिगम के तीन नियमों की चर्चा करने वाले हैं। वो तीन नियम किसने दिए थे, कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तीन नियमों का प्रतिपादन किया, अधिगम में सबसे अच्छी चीज क्या है, अधिगम का प्रश्न कहीं से भी उठ के आ जाए और अभिप्रेरणा यदि उसमें दिया हुआ है तो अभिप्रेरित करने के, अधिगम हमें अभिप्रेरित ही करता है। अधिगम का जो चालक है उसे वो किसे बताया है? अभिप्रेरणा को बताया है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि अधिगम के मुख्य तीन नियम जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वो किसने दिए? अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने। पहली क्लास में भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, आज हम विस्तार से अध्ययन उसका कर रहे हैं तीन नियमों का। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसी तरीके से आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा जो मैं अधिगम के लिए कुछ सीखने के लिए अभिप्रेरित होना या अभिप्रेरित करना, ये मेन मकसद होता है किसका? साइकोलॉजी में अधिगम को करने का। अधिगम सीखना तो है ही, लेकिन व्यवहार में, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अधिगम में अभिप्रेरणा, अधिगम में अभिप्रेरणा है, यानी कि अधिगम में जो अभिप्रेरणा शब्द है, अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम की चाबी है। क्या है स्टूडेंट्स? अधिगम की चाबी है, यानी कि उसका राजमार्ग है, उसका स्वर्ण मार्ग है, उसका सर्वोत्कृष्ट जो मार्ग है वो क्या है? अधिगम का अभिप्रेरणा है, यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन अभिप्रेरणा, हमको अभिप्रेरित कौन करता है? अधिगम के लिए अभिप्रेरित होना सबसे पहला कार्य होता है। तो कहीं भी अधिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन उठ के आता है अधिगम से रिलेटेड, उसमें अभिप्रेरणा आपका दिया हुआ है तो 100% अभिप्रेरित आपको कर रहा है कि मैं ही इसका आंसर हूँ। तो अधिगम का जो मुख्य चालक है वो किसे बताया है यहाँ पे? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को यहाँ मुख्य चालक बताया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ जिससे आपको हकीकत में पता चलेगा कि अभिप्रेरणा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं हूं या आप हो, कोई भी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, ये कौन है? कोई भी है। अब ये क्या है? इसके पास जॉब नहीं है, यानी कि नौकरी नहीं है। और ये क्या, अब ये ऐसा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, इसलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहां समझा रही हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मुंह लटका के बैठा है क्योंकि इसके पास नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी, देखिए स्टूडेंट्स, अभी नौकरी आपके सामने बहुत सारी है, आपको कंटिन्यूटी में आपकी सफलता के लिए आपको इसी तरीके से मेहनत करनी होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा, अभ्यास करना होगा, परिणाम का इंतजार करना होगा। देखिए स्टूडेंट, तीनों नियमों को मैं इसी के, इस अधिगम की अभिप्रेरणा से जोड़ते हुए मैं तीनों नियमों का अध्ययन आपको इतने अच्छे तरीके से कराने वाली हूँ कि आपको लगेगा कि वाह, हमने कुछ सीखा। इसलिए आप यदि साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को सचेत रखें, डीप अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, फिर नौकरी इन्हें चाहिए, अब नौकरी चाहिए, नौकरी इन्हें दिख गई, नौकरी इतनी दूर नहीं, इतनी दूर नहीं है, नौकरी तो बहुत दूर है, नौकरी के लिए तो बहुत प्रयास करने होंगे। तो इन्हें नौकरी दिखी कि इतनी सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं, तो वो वैकेंसियां आ तो गई हैं लेकिन ये उदास बैठे हैं। यदि इनमें इन्हें कोई और अभिप्रेरित करे, इनको मोटिवेट करे कि तुम इस तरीके से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, नौकरी आपके सामने, आप उठिए और तैयारी कीजिए। तो ये किसी दूसरे का दिया
सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ हम सेल्फ मोटिव हुए, यहाँ हमको किसी और से मोटिवेशन मिला, तो हमें कैसे भी मोटिवेशन तो मिला, तो हमारी उदासीनता को हम अभी प्रेरित होकर, यानी कि सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए कि हमें तैयारी करनी है, उसके लिए भी हमें अभी प्रेरित होना पड़ा, स्वयं से हो किसी और से हो, अभी प्रेरित यहाँ हमें होना पड़ा है। तो अधिगम की जो ये चीज है, अधिगम से हमें सबसे पहले क्या मिलती है, अभी प्रेरणा मिलती है। अभी प्रेरणा के बाद अब हम देखते हैं कि जो पहला नियम किसने बताया है, अधिगम के तीन नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है स्टूडेंट्स, और इन थॉर्नडाइक को क्या माना है, व्यवहारवादी कहते हैं ना, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, कौन, मनोवैज्ञानिक कौन से है स्टूडेंट्स, ये थॉर्नडाइक, ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ क्लियर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें छोटी छोटी चीजों को क्लियर जरूर करना होगा, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, जितना अधिगम हमें मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, हमें करना है, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए पहला नियम हम यहाँ देखते हैं कि इनका थॉर्नडाइक ने पहला नियम कौन सा दिया है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, ये तत्परता का नियम है, ये क्या कहता है, क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहती है, तत्परता क्या कहती है, कि जब तक हम किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए एक्टिव नहीं है, तत्पर नहीं है, हमने सोचा नहीं है, तो हम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। एट एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब तक हम किसी कार्य को सकारात्मक तरीके से सोचकर परिपूर्ण करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमें तत्परता के नियम का अभाव ही रहेगा, तत्परता का नियम वहां लागू नहीं होगा। तत्परता का नियम लागू करने के लिए हमें अपने आप को जागरूक करना होगा, अपने आप को तत्पर, एक्टिव रखना होगा, और हमें तत्पर कब रहना होगा, जब हमें किसी प्रकार की रुचियां जागृत होंगी कि हमें ये कार्य करना है, और वाकई में अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो मेरा 100% ये कार्य सफल होगा। तो ये क्या, देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है कि घोड़े को हम तालाब तक ले तो जा सकते हैं, लेकिन तत्परता का नियम, यदि घोड़ा प्यासा है, आप तालाब के पास, ये तालाब है, और घोड़ा, आप घोड़े को लेकर आ रहे हैं, घोड़ा यदि प्यासा है तो वो आपसे झटक के वापस पानी पीने जाएगा ही जाएगा। यदि यहाँ तालाब है और घोड़े को आप ला रहे हैं, उसे प्यास नहीं है, यानी कि वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है, तो आप उसे अगर तालाब के पास भी ले जाकर छोड़ देंगे, तो आप उसकी गर्दन झुका करके उसे पानी पीने का पानी नहीं पिला सकते। तो वो तत्परता के नियम को जागरूक करता है, क्योंकि तत्परता उसमें है यदि उसे प्यास है। ऐसे ही यदि हमें किसी कार्य को करने की भूख है, ललक है, प्यास है, तो तत्पर हम उस कार्य को करने के लिए होंगे, और तत्परता का नियम वहां लागू होगा। सेकंड जो नियम है हमारा, वो जो थॉर्नडाइक ने बताया है, वो क्या है स्टूडेंट्स, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहती है, अभ्यास का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सियां आवत जात है सिल पर हो निशान। तो स्टूडेंट्स, जब तक अभ्यास को, एक कार्य को करने के बाद हम उस कार्य पे दोबारा कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा वो कार्य क्या हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। यदि हमने किसी कार्य को एक बार किया, हम बार बार करते हैं, तो 100% हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें, इस अभ्यास के नियम में आपको एक एग्जांपल में बता देती हूं कि जो थॉमस एल्वनाइस थे, वो, उन्हें मंदबुद्धि बालक माना गया था। आपने ये कहानी सुनी होगी कि उन्हें मंदबुद्धि बालक माना गया था, जिन्होंने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए स्टूडेंट्स, कि मंदबुद्धि वहां आपका आईक्यू
बार से बल्ब को नहीं बनाया, कम से कम 10,000 बार उन्होंने इसी कार्य पर कार्यरत रहे और अभ्यास बार बार किया और एक बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। थॉमस ने इतना बड़ा कार्य वहां पर किया। इसी तरीके से कहते हैं स्टूडेंट्स कि हम एक इस अभ्यास के नियम के लिए एक बुक को आप 20 बार पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी आपको, ठीक है। लेकिन एक 20 बुकों को आप एक एक बार पढ़ेंगे तो वो रिजल्ट क्या देंगी आपको, सुनने ही देंगी। अगर आप एक बुक को 20 बार पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा देगा, लेकिन आप 20 बुकों को एक एक बार ही पढ़ पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि अभ्यास एक बुक का 20 बार करो, एक चीज का 20 बार करो, एक कहते हैं कि एक कार्य को हम बार बार करते हैं तो अभ्यास का नियम वहां लागू होता है। इस अभ्यास के नियम में भी 2 उपनियम बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है, पहला नियम यहाँ बताया, जो अभ्यास का नियम है उसके अंदर पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। पहला उपयोग का नियम, उपयोग का नियम, और सेकंड कौन सा बताया है बच्चों, अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। अब ये क्या कहता है उपयोग का नियम, यानी कि यदि हमने किसी कार्य को, देखिए स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे मैंने किसी बच्चे ने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज सीखी, कंप्यूटर को यदि हम प्रैक्टिस में रखते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं, तो ये अभ्यास अगर करते रहते हैं तो उपयोग का नियम है वो हमारे अंदर कार्यरत हो जाएगा। लेकिन हमने एक चीज को, एक कला, कंप्यूटर से ही नहीं आप कोई भी कला सीख सकते हैं, यदि कला को आपने सीख कर वहीं उसको स्टॉप कर दिया तो वो आपके अनुपयोग के नियम को फॉलो करेगा। यदि आपने उसी कला को बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, बार बार अभ्यास किया तो वो आपके उपयोग के नियम को फॉलो करेगा। तो इस अभ्यास के नियम में भी 2 उपनियम होते हैं, उनका उपयोग किया है। इसमें पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तीसरा जो हमारा कहते हैं अधिगम का नियम है स्टूडेंट्स, वो है प्रभाव का नियम, ठीक है। तीसरा नियम हम जो कहते हैं वो है हमारा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रभाव के नियम को, अकेला ये प्रभाव का नियम नहीं है, इसे परिणाम का नियम, इसे संतुष्टि का नियम, कई प्रकार के नाम अलग अलग बुकों में आपको दिए हुए होंगे, लेकिन संतुष्टि का नियम और परिणाम का नियम होता है वो प्रभाव का नियम ही होता है। क्योंकि प्रभाव जो होता है वो परिणाम से ही अपने कंटेंट को क्लियर करता है प्रभाव। अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि प्रभाव का नियम, यदि कोई एक प्रश्न आ जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, वो इस प्रकार से आता है कि बच्चे को यदि कोई टीचर उसकी प्रशंसा करता है, उसको पुनर्मनन करता है और प्रशंसा अगर उसकी करता है तो बच्चे का बच्चे के अंदर सकारात्मक अभिवृत्ति जागरूक होती है, जिससे बच्चे का व्यवहार चेंज होता है और उस पर प्रभाव पड़ता है। तो वो किसका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और उसको हम अच्छा सक्सेस इंसान बनाने में सफल होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम होता है वो अक्सर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, जो आपके ये थॉर्नडाइक के 3 नियम है उसमें प्रभाव का नियम है। उस प्रभाव के नियम में, यानी कि हमने एक बच्चे को किसी को कोई कार्य करने के लिए भेजा, वो बच्चा वो कार्य करके आता है तो हमें उसे पुनर्वलन देना चाहिए, यानी कि हमें उसको फीडबैक देना चाहिए, इसको मोटिवेट करना चाहिए, अरे वाह वेरी गुड तू ये कार्य करके इतनी जल्दी आ गया। यदि हम उसी बच्चे को नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो उस पर वो प्रभाव का नियम है वो नकारात्मक भी असर डालेगा, और जब हम उसे पॉजिटिव वे में अरे तुमने ये काम किया तो देखना वही बच्चा आगे जब आप उससे कुछ करवाओगे तो उसको और भी अच्छा करके देगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है प्रभाव का नियम हो जाता है। इसमें भी देखो जो थॉमस हैं, एल्विनियस हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनको उनके स्कूल से, मैं एक कहानी के रूप में एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, उनके स्कूल से एक लेटर आया था, उसकी माँ को वो थमा दिया गया था, थॉमस की माँ को। थॉमस की माँ ने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि थॉमस है वो मंद बुद्धि बालक है, इसलिए आप उसे हमारी स्कूल में ना भेजें और उसको कहीं और आप पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन देखिए बच्चों कि एक
माँ का दिल कितना बड़ा होता है, उस माँ ने उस बच्चे को घर ही कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए, कुछ अधिगम करने के लिए प्रेरित किया, स्वयं उन्होंने पढ़ाया उसको, और जो बात उनकी स्कूल से लिख के आई थी वो उन्होंने नजरअंदाज उसकी माँ ने कर दी थी, उसे कभी नहीं बताया। और वो बच्चा इतना अभ्यास करने के बाद, करत करत अभ्यास के उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो दुनिया में फेमस इंसान बना। लेकिन जब उनकी माँ खत्म हो गई थी, वही लेटर जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो एक मंदबुद्धि इंसान है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, जब अभ्यास का नियम लागू होता है तो कोई भी IQ लेवल है वो आपका काम नहीं करता है। तो आज हमने थोंडाइक के, व्यवहारवादी वैज्ञानिक थोंडाइक के दिए गए 3 नियमों को अभिप्रेरणा से तीनों नियम जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? अभिप्रेरणा हमें मिलेगी तभी तो अधिगम से, देखो सीखने के लिए हमें क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से हम क्या होंगे? तत्पर होंगे किसी कार्य को करने के लिए, तो तत्परता का नियम आएगा। और उस जो कार्य के लिए हम तत्पर हुए हैं उसको अगर हम बार बार करेंगे, यानी हम उसी कार्य को बार बार करेंगे, तो हमें क्या होगा? अभ्यास होगा, अभ्यास का नियम होगा। यदि अभ्यास के नियम में यदि हमने उसका उपयोग किया तो वो उपयोगी हो जाएगा, और उसका उपयोग करना छोड़ दिया तो वह अनुपयोगी हो जाएगा। ऐसे ही इन तत्परता के नियम और अभ्यास के नियमों पर कार्यरत रहते हुए हमें परिणाम और प्रभाव भी हमें पड़ेगा कि हमने कितना तत्पर रहकर, कितना अभ्यास करा, कितना हम सीखे, उससे क्या निकला? परिणाम निकलेगा। और परिणाम अच्छा निकलेगा तो प्रभावित भी होंगे, अच्छे परिणाम से अच्छा प्रभाव हम पे पड़ेगा और हम आगे के कार्यों को करने के लिए आगे से आगे तत्पर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन 3 नियमों को मैंने आपको यहाँ बताया है। यदि आपको मेरे 3 नियम समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब करें, नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पर इसी तरीके से कमेंट करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, और आगे की क्लास की जो थोंडाइक के दिए गए गौण नियम हैं उनकी क्लास हम आगे लेने वाले हैं। तो आज मेरा वीडियो यहीं मैं आपके सामने खत्म करती हूँ स्टूडेंट्स। धन्यवाद।